जय हिंद जय भारत एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन है। हालांकि कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पर 5,967 यानी कि 5,967 वैकेंसी टोटल पुलिस और कांस्टेबल की है। 10% वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए यानी कि 596 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के रिजर्व हैं। विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जानकारी हेल्पफुल लगती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जीडी की 554 वैकेंसी है, चालक की 4 है, ट्रेलर की वैकेंसीज आपको मिलेगी। ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट की है जिसमें कि 93 वैकेंसीज जीडी की जनरल की है, 5 वैकेंसीज ड्राइवर की है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की 106 वैकेंसीज है, 180 वैकेंसीज 86। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैकेंसीज पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ की ओर से जारी की गई है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा cgpolice.gov.in के माध्यम से। 20 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर 2023 इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज का डिटेल दिया गया है जिसमें कि चालक जीडी, ड्राइवर और टेलर की वैकेंसीज है। बलौदाबाजार भाटापार की वैकेंसीज है, धमतरी की वैकेंसीज है, गरियाबंद की वैकेंसीज आपको मिलेगी, महासमुंदर, पीटीएस माना रायपुर, रेल रायपुर की वैकेंसीज आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर और भी पोस्ट हैं जिसमें नेताजी सुभाष बोस पुलिस एकेडमी चंदखुरी रायपुर में वैकेंसीज है, एमटी पुल पुलिस मुख्यालय रायपुर में वैकेंसीज आपको मिलेगी। काफ़ी वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई है। जीडी की 321 वैकेंसीज है। उसके अलावा यहाँ पर बलौदा में भी आपको वैकेंसीज मिलेगी। डिटेल यहाँ पे बताया गया है हर कैटेगरी वाइज। बेमित्रा, राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहल्ला, मानपुर, अम्बाड़गढ़ चौकी है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, पीटीएस, राजनांदगांव उसकी वैकेंसीज यहाँ पे है। उसके अलावा बिलासपुर की वैकेंसीज आपको मिलेगी, 146 है। मुंगेरी की वैकेंसीज है। अलग अलग ट्रेड हैं यहाँ पे, जीडी, चालक, ट्रेड, कुक, नाई, टेलर, खलासी, टेक्नीशियन की वैकेंसीज आपको मिलेगी। तो काफ़ी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। डीआर की भी वैकेंसीज आपको मिलेगी। तो वैकेंसीज यहाँ पे काफ़ी निकाली गई है। यहाँ पे बताया गया है पूर्व सैनिकों के लिए 10% वैकेंसी रिजर्व हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। वेतन मान यहाँ पर 19,500 रुपये प्रारंभिक वेतन होगा। उसके अलावा जो भी अदर अलाउंसेज हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। 28 ईयर मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर स्टेट गवर्नमेंट और रूल के अनुसार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, उसके समकक्ष होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति की उम्र 8वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार तथा जो राहत शिविर में रहते हैं उनके लिए 5वीं पास है। और जो भी चालक हैं उनके पास भारी वाहन यानी कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। इसका जो टेस्ट होगा, हाइट, लंबाई, चौड़ाई वगैरह यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है cgpolice.gov.in, तो इसके माध्यम से अप्लाई करना है। 10% वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। तो अभी तक इतना ही। जय हिंद।